वापस लो, वापस लो, वापस लो, नदी हटाओ, देश बचाओ, नदी हटाओ, देश बचाओ, नदी तेरी तानाशाही। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर तानाशाही का आरोप लगा रही हैं, जिसका असर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक देखा जा रहा है। इसी बीच मंगलवार को एक बार फिर से विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे इस मसले पर राहुल गांधी ने क्या कहा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 12 सांसदों के निलंबन पर अपनी बात रखी और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जब जब आवाज उठाने की कोशिश करता है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने कहा कि 12 सांसदों का निलंबन भारत की जनता की आवाज को कुचलने का प्रतीक है। उनकी आवाज दबा दी गई। इसके पीछे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पीछे बैठी शक्तियों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जानिए कौन है वो शक्तियां। नमस्कार, जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। इनको राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं निकाला है, इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला है, इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है, इसलिए यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है, दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है। वहीं संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में एलओपी के कार्यालय में बैठक की। इस दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।